हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना होम साइंस का एक और टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शिशुओं के सामान्य रोग तथा उनके उपचार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शिशु के पाचन संबंधी रोग। ठीक है, सबसे पहले पाचन संबंधी रोग देखेंगे, उसके बाद कुछ और चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पाचन संबंधी रोग में देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोग देखेंगे दस्त। ये बहुत ही जो है आम बीमारी है शिशुओं में, बच्चों में जो यह देखी जा सकती है, बहुत ही जो है नॉर्मल है। लेकिन देखिए रोग है, लक्षण है, कारण है और उपाय है। फिर इस तरीके से करने से क्या होता है, एक तो टाइम कम लगेगा, दूसरे आपको मैटर में ज़्यादा प्रोवाइड करा सकूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग दस्त, जिसे कि डायरिया भी कहते हैं। इसका लक्षण क्या है, देखिए दस्त जब शुरू होता है, बच्चे को जब दस्त होना शुरू होता है तो उसके लक्षण दिखते हैं। क्या हो जाता है, जो दस्त का रंग हो जाए यानी जो पॉटी का कलर हो जाता है वो क्या हो जाता है, हरा हो जाता है या फिर पीला हो जाता है या फिर झागदार। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा ही होगा, जब बच्चे को पॉटी होती है, दस्त होता है, तो उसका रंग हरा हो जाता है या पीला हो जाएगा या फिर झागदार दस्त होना जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, ये लक्षण है किसका, लक्षण है डायरिया का। अब देखिए कारण क्या है, कारण देखिए दूध हजम ना होना। ठीक है, बच्चा जो दूध पीता है वह उसको हजम नहीं होता, तब उसको क्या होता है, दस्त होने लगता है। या फिर देखिए ऊपरी दूध प्रारंभ करना, यानी जब माँ का दूध जब बच्चा पीता है उसके बाद जब उसको ऊपरी दूध जब प्रारंभ किया जाता है तब इस तरीके की समस्या जो है वह देखी जा सकती है कि ऊपरी दूध और माँ के दूध के बाद जब ऊपरी दूध प्रारंभ करते हैं तो बच्चे में यह समस्या आम तरीके से देखी जाती है। तीसरा देखिए कारण क्या है, बोतल की अनुचित सफाई, यानी बच्चा अगर बोतल से दूध पी रहा है तो बोतल में सफाई, बोतल की सफाई ना होने के कारण भी बच्चे को दस्त होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सर्दी लग जाना, यानी ठंड लग जाने से भी बच्चे जो है वह दस्त करने लगते हैं और ये सारी लक्षण जो है दिखाई देने लगते हैं। और लास्ट कारण है माता के भोजन में गड़बड़ी, माता के भोजन में गड़बड़ी होने से भी क्या हो जाता है, बच्चे को दस्त होने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से क्या है, ये कारण है, ये लक्षण है और देखिए इनके उपाय क्या क्या कर सकते हैं हम लोग डायरिया होने पर। घरेलू उपाय यानी कि घर में क्या कर सकते हैं, तो देखिए फटे हुए दूध का पानी, यानी तो पहले तो आप ऊपरी दूध जो है वो बंद कर दीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है, माँ के दूध पे ही बच्चा को निर्भर रखिए, यानी बच्चा जो है माँ का दूध ही पिए। और एक नेक्स्ट है फटे दूध का पानी, यानी दूध को फाड़कर उसका पानी दीजिए। ठीक है, दूध ना दीजिए, दूध को फाड़कर उसका पानी दीजिए। और गुट्टी देना, यानी जन्म गुट्टी जो मिलती है वो दे सकते हैं आप। और सबसे लास्ट और बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि आप डॉक्टर को दिखाइए, बिना चिकित्सकीय सलाह के कुछ भी घरेलू उपाय मत करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, ये भी बच्चों में देखी जाने वाली ये आम बीमारी है कॉन्स्टिपेशन की। देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या हो जाते हैं, तो देखिए मल चिकना व सख्त हो जाता है, यानी जब बच्चा पॉटी करता है वो बहुत ही क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है, उसको करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ही ज़्यादा रोता है। और देखिए 2 से 3 दिन तक वो बच्चा जो है 2 से 3 दिन तक शौच करता ही नहीं है, ये सब उसके कारण है। मल सूखकर टुकड़े टुकड़े होना, यानी जो पॉटी होती है यानी जो मल होता है वो एक बार में ना होकर वो थोड़ा 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 करता है, ये सब किसके लक्षण है, ये सब लक्षण है कब्ज के। फ्रेंड्स क्वेश्चन इस तरीके से निकल आ सकते हैं, जैसे आपको लक्षण दे दिया और पूछ दिया कि ये किसके लक्षण है, या फिर दे दिया कारण, दे दिया पूछ दिया कि ये किस रोग के कारण है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप डीप स्टडी करेंगे तभी आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए कब्ज के कारण लक्षण हम लोगों ने देखा, अब देखेंगे कारण। कारण क्या है, दूध कम मात्रा में पीना, यानी बच्चा जो है बच्चा दूध कम मात्रा में पी रहा है जिसके कारण ही उसको कब्ज की शिकायत जो है वह प्रारंभ हो गई है। फ्रेंड्स देखिए दूसरा कारण है माता के भोजन में गड़बड़ी, यानी माता जब कुछ खा लेती है उल्टा सीधा तब क्या हो जाता है, बच्चे को कब्ज की बीमारी हो जाती है। जैसे कि आप ध्यान दे दीजिए कि चटपटा खा लेने से या मसालेदार तीखा ज़्यादा अगर माँ खा लेती है तो माँ को तो उतना कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जो बच्चा दूध पीता है तो वो सारी चीज़ें उसके पेट में चली जाती हैं और उसको इफेक्ट करती है। क्यों, क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर जो है वो थोड़ा वीक होता है, वो बहुत ही वीक होता है बच्चों का इम्यूनिटी पावर। इसीलिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए माता को जो है तरह तरह की चीज़ें, हर तरीके से पौष्टिक आहार दिया जाता है जिससे कि वो पौष्टिकता माता के साथ साथ बच्चों को भी मिले। ठीक है, अब देखिए शिशु के पेट में कोई विकार, यानी कि बच्चे के पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ बीमारी है, तभी उसको जो है कब्ज की शिकायत है। नेक्स्ट देखते हैं इसको उपाय, उपाय क्या है, दूध में मुनक्का तथा अंजीर उबालकर पिलाना। ठीक है, दूध में 2 से 3 मुनक्का और 1 अंजीर डालकर दूध उबाल लीजिए, उबाल कर उसको छान के अच्छे से फिर बच्चे को पिलाइए, इससे कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये तो
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी अपने बच्चों को अंजीर और छुआड़ा उबाल कर देती हूँ, जिससे क्या हो जाता है बच्चे जो है वो उनका पेट हमेशा जो है ठीक रहता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वीक नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूध में चीनी की मात्रा बढ़ाना। दूध में चीनी की मात्रा बढ़ा देने से क्या हो जाता है, कब्ज़ की शिकायत जो है वो दूर हो जाती है। और लास्ट देखिए जन्म गुट्टी पिलाना, यानी जो बच्चों का ग्राइप वाटर आता है उसको पिलाने से भी कब्ज़ की समस्या दूर हो जाती है। और लास्ट में चिकित्सक की सलाह तो अनिवार्य ही है। और आगे देखते हैं पाचन संबंधी रोग में नेक्स्ट हमारा क्या है, दूध हजम ना होना। यानी कि जैसे कि बच्चे को दूध पिला दीजिए तो वो बार बार दूध जो है वो निकालने लगता है, यह भी क्या है, यह भी पाचन संबंधी रोग ही है शिशु का। देखिए क्या है, इसके लक्षण क्या है, दूध पीते ही निकालना और फटाफटा दूध निकालना। यदि दूध पीता है बच्चा, एक तरफ पी रहा है दूसरी तरफ निकाल दिया, एक तरफ पी रहा है दूसरी तरफ निकाल दिया, और वो भी दूध नहीं निकालता है, क्या निकालता है, दूध निकालता है फटे हुए रूप में। ठीक है, ये भी एक आम समस्या है। इसका कारण क्या है, ऊपरी दूध प्रारंभ करना, यानी जब माता के दूध के बाद जब ऊपरी दूध प्रारंभ किया जाता है तो यह समस्या सामान्यतः बच्चों में दिखाई देती है। नेक्स्ट है माता के भोजन में गड़बड़ी होने से भी जो है बच्चे का दूध डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और एक पॉइंट है अधिक दूध पीना, यानी कि आवश्यकता से अधिक दूध बच्चा अगर पी लेता है तब भी वह दूध निकालने लगता है। इसका उपाय देखिए, डकार दिलाने, यानी जितनी बार भी आप दूध पिलाइए, जितनी बार भी आप फीडिंग कराइए, उतनी बार बच्चे को कंधे पर लेके ऐसे पीठ पे थपकी मार के उसको डकार दिलाइए। डकार दिलाने से क्या हो जाता है, दूध डाइजेस्ट हो जाता है। शिशु को अधिकतर बिस्तर पर लेटाना, कहने का मतलब ये है कि शिशु को आप अधिकतर बिस्तर पर लेटा के रखिए, गोद में मत लीजिए। बिस्तर पर लेटने से क्या होगा, शिशु अपना हाथ पैर चलाएगा, अपनी एक्टिविटी करेगा, वही तो उसका एक्सरसाइज है। वो एक्टिविटी करेगा, अपनी एक्सरसाइज करेगा, तभी तो वो उसका दूध जो है वो डाइजेस्ट होगा। ठीक है, और जो है उसका दूध डाइजेस्ट होगा और उसको ताकत मिलेगी। दूध का समय निर्धारण, तो देखिए फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि माता के दूध का समय तो निर्धारित नहीं होता, लेकिन जब आप ऊपरी दूध बच्चे को पिला रहे हैं तो उसका समय निर्धारण करिए। जब भी रोए बच्चा तो दूध ना लगा दीजिए, ठीक है, तो उसका समय निर्धारित करके बच्चे को दूध दीजिए। तो फ्रेंड्स ये पाचन संबंधी कुछ रोग है, आगे कुछ और रोग है जो बच्चों के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे सूखा रोग, जिसे कि रिकेट्स रोग भी कहते हैं। और ये कुपोषित बच्चों में जो है वो बहुत ही जनरली देखने को मिल जाती है, जिन बच्चों में पोषण का अभाव रहता है। ठीक है, तो देखिए क्या है ये, इसके लक्षण क्या है, तो शिशु की अस्थियां कमजोर तथा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इसमें क्या प्रभावित होता है, इसमें प्रभावित होता है शिशु की अस्थियां, शिशु की हड्डियां इसमें प्रभावित होती है, वो कमजोर हो जाती है और टेढ़ी मेढ़ी सी दिखने लगती है। छाती की हड्डी उभर जाती है, यानी छाती की जो हड्डी होती है वह निकल जाती है, उभर जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे रिकेट रोजरी कहते हैं। तो देखिएगा अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि छाती की हड्डी की उभार को क्या कहा जाता है, तो ध्यान दीजिए रिकेट रोजरी कहा जाता है। और यह किसमें होता है, यह होता है कुपोषित शिशुओं में। ठीक है, और वजन का कम हो जाना, यानी सूखा रोग होने से क्या हो जाता है, शिशु के वजन में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गए लक्षण, अब देखेंगे हम लोग इसके कारण के बारे में। कारण देखिए विटामिन डी की कमी, तो देखिए विटामिन डी की कमी कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी के कारण, बहुत ध्यान से समझिएगा कि विटामिन डी कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो होता है सूखा रोग या रिकेट्स रोग। और ये होता किसमें, ये शिशुओं में होता है। उपचार क्या है, देखिए ये तो इसके कारण हो गए, उपचार देखिए विटामिन डी कैल्शियम तथा फास्फोरस युक्त भोजन, यानी कि जो कारण है जिसकी कमी के कारण ये रोग होता है, तो पहले तो उसको दूर किया जाए। ठीक है, और कैसे दूर किया जाए, तो देखिए विटामिन डी की कमी है तो कॉड लीवर ऑयल भी दिया जा सकता है। सबसे पहले तो विटामिन डी अपने भोजन में विटामिन डी युक्त भोजन यानी पौष्टिक तत्व जो है उसकी मात्रा को बढ़ाना। ठीक है, इसके अलावा विटामिन डी की कमी के लिए कॉड लीवर ऑयल भी बच्चों को जो है वह दिया जा सकता है। और पर्याप्त मात्रा में धूप भी मिलनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि धूप एक प्राकृतिक सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, किसका, विटामिन डी का। एक पॉइंट आप लोग बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए कि जो विटामिन डी यानी जो कैल्शियम तथा फास्फोरस, ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को, कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण कब होता है, कैल्शियम तथा फास्फोरस हमारी बॉडी तभी एब्जॉर्ब करेगी जब हमारे शरीर में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में हो, यानी कैल्शियम तथा कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विटामिन डी की
अभाव है यानी विटामिन डी के अभाव में हमारी बॉडी कैल्शियम तथा फास्फोरस को अब्सॉर्ब नहीं करती है। इसीलिए धूप में शिशु को धूप में रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, जिससे कि विटामिन डी की जो मात्रा हो वह पूरी की जा सके। क्यों? क्योंकि धूप एक प्राकृतिक सोर्स है किसका? विटामिन डी का। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं शिशु की आँख दुखना यानी शिशु की आँख में कुछ प्रॉब्लम हो जाना। लक्षण क्या है? आँख में पानी आना, खुजली होना और आँख में सूजन का होना, ये इसके लक्षण है। कारण क्या है? देखिए, यह रोग छूने से भी हो जाता है। ठीक है, यानी छूने का मतलब कि जैसे मेरे आँख में कुछ इन्फेक्शन हुआ है और मैंने ऐसे रब कर लिया और फिर उसी हाथ से अपने बच्चे की आँख को टच कर लिया तो क्या हो गया? तो ये बच्चे को भी हो जाता है। ठीक है, तो गर्मी के कारण एवं अनियमित सफाई के कारण भी बच्चों की आँखों में प्रभावित होती है, आँखें प्रभावित होती हैं। इसका उपचार है गर्म पानी में। ध्यान दीजिएगा, जब शिशु की आंखों में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो गर्म पानी में बोरिक एसिड डालकर आप कॉटन से हल्के हल्के बच्चे की आंखों को साफ करेंगी तो क्या होगा, इस तरीके की इन्फेक्शन जो है वह दूर हो जाएगी। दूसरा है गुलाब जल का प्रयोग करना, यानी गुलाब जल की एक दो बूंदे शिशु की आँख में डालने से क्या होगा तो उसकी आँखें ठीक हो जाती है। और लास्ट है कि अगर कुछ ना हो तो फिर आप डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर को दिखाएं। तो फ्रेंड्स, ये हो गए कुछ और रोग। अभी हम लोग कुछ और रोग जैसे कि बिस्तर गीला करना और अंगूठा चूसना, अभी ये इसके बारे में भी हम लोग अब डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है हमारा बालक का अंगूठा चूसना, यानी कि बहुत सारे बालकों में जो है अंगूठा चूसने की प्रवृत्ति हो जाती है। कैसे होती है, चलिए देखते हैं। यह आदत शैशवावस्था से ही हो जाती है, यानी चूसने की जो प्रवृत्ति होती है वह शिशुओं में कब से होती है तो जन्मजात होती है। ध्यान दीजिएगा, जो चूसने की प्रवृत्ति होती है शिशुओं में वह जन्म से ही होती है। इसलिए स्तनपान कराने से या बोतल के से दूध पिलाने से उनकी यह प्रवृत्ति शांत हो जाती है। लेकिन बहुत सारे बच्चों में क्या हो जाता है कि यह प्रवृत्ति बनी रहती है और इसकी कमी पूरी करने के लिए वह अपना अंगूठा चूसना प्रारंभ कर देते हैं। तो देखिए, इसका कारण है कि यह शैशवावस्था से तो इसकी आदत पड़ जाती है। दूसरा है पूर्ण पोषण के अभाव में, यानी कि कहने का मतलब है कि बच्चों के यानी शिशु के चूसने की प्रवृत्ति जो वह तृप्त नहीं हो पाती, जिसके कारण वह अंगूठा चूसना प्रारंभ कर देता है। अब इसका निवारण कैसे किया जाए, चलिए भी देख लेते हैं। अधिक समय तक स्तनपान कराना चाहिए, यानी जब तक बच्चा खुद से ही न छोड़े तब तक उसको स्तनपान कराते रहने से क्या होगा, उसकी यह प्रवृत्ति जो है वह कम होती जाएगी, धीरे धीरे शांत हो जाएगी। नियमित समय अंतराल पर ही दूध पिलाना चाहिए, यानी हर समय बच्चा जब भी रोए उसको दूध नहीं पिलाना चाहिए। दूध पिलाने का समय निर्धारित कर लेना चाहिए। समय निर्धारित करने के पर दूध पिलाने से क्या होती है, यह प्रवृत्ति जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, 6 माह तक चूसने की प्रवृत्ति अधिकतर, यानी कि जो चूसने की शिशुओं में जो चूसने की प्रवृत्ति होती है वह कब तक होती है ज़्यादा, तो लगभग 6 माह तक उनकी यह प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट उपाय है, देखिए, अन्य खेल की ओर प्रेरित करना, यानी उसके ध्यान को दूसरी ओर लगाना। शिशु के ध्यान को अगर दूसरी ओर लगाएंगे तो उसकी चूसने की प्रवृत्ति क्या होगी, उसका ध्यान हटेगा जिससे कि वह दूसरी चीज़ों की ओर लगेगा और उसकी चूसने की प्रवृत्ति जो है वह कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया बालक का अंगूठा चूसना। अब देखते हैं हम लोग बिस्तर गीला करना शिशु का। जनरली 4 से 5 वर्ष तक तो शिशु बिस्तर गीला करते ही करते हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी बिस्तर गीला करने की आदत उनकी नहीं जाती है तब इसको एकदम लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। देखते हैं, कुछ शिशु 5 से 6 वर्ष की अवस्था तक बिस्तर गीला करते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए शिशु को देखिए समय समय पर मूत्र विसर्जन कराना चाहिए, यानी कुछ समय बीते तो बच्चे को जो है वो मूत्र विसर्जन के लिए ले जाना चाहिए। ठीक है, खासकर रात्रि के समय इसका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आदत न छूटे तो बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बच्चे को बहुत ही प्यार से समझाना चाहिए कि ये गलत बात है, प्यार से समझाना चाहिए। यदि बच्चा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, देखिए इंद्रियों पर नियंत्रण करना बच्चा सीख लेता है तो क्या करता है, वह अपना समय समय पर जाकर अपना शुशु पॉटी या खाने पीने का जो भी रहता है वो करने लगता है। लेकिन अगर बच्चा अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, ठीक है, तो और मूत्र विसर्जित कर देता है बिस्तर पे, तो क्या करना चाहिए, उसे सबसे पहले चिकित्सक को दिखाना चाहिए। लाइटली नहीं लेना चाहिए, यह किसी रोग के कारण भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।